हेलो फ्रेंड्स, द रियल गर्ल कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कद्दू के सब्जी। इस सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाना बहुत इजी है। चलिए देखते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन में क्लिक कीजिए। कद्दू के सब्जी बनाने के लिए कद्दू को हमने छोटा छोटा करके काट लिए है, मसूर की डाल लिए है, प्याज लिया है हमें काट के, अदरक और लहसुन को छोटा छोटा करके काट लिए है। यहाँ पे हमने सूखी मिर्च, तेजपत्ता और इलायची लिए हैं, हल्दी पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, जीरा पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है और नमक लिया है स्वाद अनुसार। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम करके कढ़ाई में तेल डाल दिया है। इसमें हम इलायची डाल देंगे, सूखी मिर्च डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे। इसको फ्राई करेंगे थोड़ी देर। अब हम इसमें प्याज को डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। रेसिपी में हमने अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कटा हुआ अदरक और लहसुन को यूज़ करेंगे। अब अदरक लहसुन को हमने डाल दिए हैं और फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। अदरक लहसुन और प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें सभी ड्राई मसाला को एक साथ डाल देंगे और भून लेंगे मसाला को थोड़ी देर के लिए। मसाला में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी से फिर से भूनेंगे मसाला को। देखिए मसाला से तेल छोड़ने लगा है, मतलब मसाला अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें कद्दू को डाल देंगे और कद्दू को मसाला से थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें मसूर की दाल को डाल देंगे। मसूर की दाल को हमने पहले धो लिए थे और मिला लेंगे इसको। अब हम इसको ढक के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। अब ढक्कन हटा के फिर से इसको मिला लेंगे और ऐसे ही चम्मच की मदद से कुछ देर इसको पकाएंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे सब्जी को अच्छे से बॉईल करने के लिए। मिला लेंगे इसको। अब इसमें हम और थोड़ा पानी डालेंगे और ढक के पकाएंगे जब तक अच्छे से बॉईल होना जाए। चलिए ढक्कन हटा के देखते हैं। सब्जी की कलर बहुत ही अच्छा आया है
और सब्जी अच्छे से बॉईल भी हो चुके हैं। रेडी हो चुके हैं कद्दू की सब्जी, अब हम इसको सर्व कर देंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन में क्लिक कीजिए, उसे आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।